खबर बलिया जनपद के रसड़ा से है, जहाँ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जेवरिनिया के प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह द्वारा सहायक अध्यापक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कोटवारी न्याय पंचायत के ग्रुप में प्राथमिक विद्यालय जेवरिनिया रसड़ा के प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डालने और उसका विरोध करने पर सहायक अध्यापक आशुतोष सिंह को घर में घुसकर मारने की धमकी देने का एक मामला सामने आया है, जिसे लेकर सहायक अध्यापक आशुतोष सिंह ने रसड़ा थाना कोतवाली पर शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायती पत्र में बताया कि 2 अक्टूबर को कोटवारी न्याय पंचायत के ग्रुप में जातवादी मैसेज फॉरवर्ड किया गया, जिसका कुछ शिक्षकों द्वारा प्रार्थी को फोन करके विरोध किया गया। जानकारी के अनुसार बताया गया कि पूर्व में भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी और विभागीय सीनियरों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग अजय कुमार सिंह द्वारा किया गया है। जब इस बात पर आपत्ति दर्ज कराया गया कि सर यह मैसेज ग्रुप में डालना ठीक नहीं, तो यह देखते ही प्रधानाध्यापक आग बबूला हो गए और घर में घुसकर मारने की धमकी देने लगे, जिसे लेकर सहायक अध्यापक आशुतोष सिंह ने रसड़ा पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। इस दौरान आशुतोष सिंह ने बताया कि हमारे जान माल को नुकसान हो सकता है। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं आशुतोष सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय उनाई। आज आपने रसड़ा कोतवाली में तहरीर दी है, क्या है पूरा मामला? मेरा जो तहरीर है वो हमारे ही न्याय पंचायत के एक अध्यापक प्रधानाध्यापक श्री अजय सिंह के लिए है, जो कि प्राथमिक विद्यालय जवनिया पर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। विभाग ने मुझे एक दायित्व तो दिया है शिक्षक संकुल का, जिसके मार्फत मैं जो है हम 5 लोगों की एक टीम जो है विभाग में जो भी जानकारियाँ आती हैं या सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हमको समय समय पर निर्देशित किया जाता है। इस संबंध में जो है हम लोग गुणवत्ता के लिए भी बात करते रहते हैं, अपने अधिकारीगण के निर्देशों का अनुपालन कराते हैं ग्राउंड स्तर पर। कल जो है परसों हमारे 2 अक्टूबर को हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया, जिसमें ये लिखा गया कि ठाकुर हो तो जिंदा होना दिखना चाहिए, इस टाइप के मैसेज आए। तो कुछ उस जाति के अलावा के अध्यापकों द्वारा इस बात का मुझसे आपत्ति दर्ज कराई गई, क्योंकि मैं भी उसी जाति से हूँ, ठाकुर बिरादरी से हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जो है मुझे इस टाइप के मैसेज का प्रभाव से मैं प्रभावित हूँ। तो मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि आप इसको डिलीट कर दीजिए। इस बात को सुनते ही वो आग बबूला हो गए और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत भद्दी गालियाँ दी और मुझे मुख्तार गैंग का आदमी बताकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, तुम्हारा घर गिरवा दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, माँ बाप की गालियाँ देने लगे। इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उल्टा सीधा ग्रुप पे लिखे थे। मैंने शाम को 6 बजे करीब मैं उनको फ़ोन करके आग्रह किया और बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे वो मैसेज डिलीट कराया और वो डिलीट भी किए, लेकिन इस बार वो उखड़ गए किसी विद्वेष के कारण, और जिसकी वजह से जो है सारी बातें जो है वो मुझे घर आकर मारने की धमकी देने लगे और कह रहे हैं कि जिस स्कूल पे तुम जाते हो वहाँ का इलाका बहुत ही दुर्लभ है और वहाँ पे मैं तुमको कभी भी देख लूँगा। ये पूर्व में भी स्कूलों पर 200 रुपये 300 रुपये देकर गुंडे बुलाते रहे हैं और सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं को रसोइयों को और ये प्रताड़ित करते रहे हैं। चूँकि ये मामला पटाक्षेप हो चुका था अधिकारियों द्वारा चेतावनी देने के बाद, अब जो है ये मामला सर से पानी जो है सर से ऊपर बह चुका है और मैं चाहता हूँ कि इस पर हमारे अधिकारीगण कुछ उचित कार्रवाई करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया बोलिए। हाँ क्या बोल रहे थे तुम, जरा फिर से बोलो तो एक बार और। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हमारा बस कंसर्न ये है। तुम बहुत बड़ा स्मार्ट मुख्तार अंसारी तुमको समझ रहे हो। नहीं नहीं सुनिए ना भैया, वो सब मत बताइए ना, तुम मुख्तार अंसारी समझ रहे हो भैया। कन्हैया पर आएंगे ना, हाँ। तुम्हारे मुख्तार निकाल देंगे हम। सुनिए ना भैया, आप जो बात कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो हम नौकरी छोड़ देंगे लेकिन तुम्हारे मुख्तार निकाल देंगे हम। सुनिए ना भैया, सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि नए पंचायत स्तर पे जो ठाकुरवादी जो मैसेज आप डाल रहे हैं, हम भी ठाकुर ही हैं, लेकिन ये गलत है कि नहीं? हम तो बस इतना कह रहे हैं, तो तुम्हारे छुट्टी डाल रहे हैं, हम छुट्टी डाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सबक सिखा दिए। नहीं ये तुम्हारे लिए मैंने नहीं डाला सोच करके, किसके लिए डाला है? कॉमन के लिए डाला। कॉमन लॉगरिथमिक इक्वेशन वहाँ पे क्या है? आप हम अगर छुट्टी डाल रहे हैं, आप हेडमास्टर हैं तो ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने सबक सिखा दिया। अच्छा चीज बताए, छुट्टी तो हमेशा डालते हैं जो है। नहीं क्यों छुट्टी? आप वो छुट्टी डालने के तुरंत बाद नीचे आपने लिखा है ना कि मैंने सबक सिखा दिया। तुरंत बाद कहाँ लिखा यार? तुरंत लिखा है आपने, मतलब तुरंत का मतलब उसी मैसेज के नीचे अभी रिसेंटली मैंने डाला है। ये हम आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कर रहे हैं
कि ये बताइए कि क्या ये चीजें सही हैं, क्या आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान हो रहे हैं। उनके कॉमन उनके लिए मैंने कुछ नहीं डाला है, जैसा फीलिंग है ना, ये मन में गंदी फीलिंग है। ये नहीं गंदी फीलिंग नहीं है भैया, आप जो है जिस तरीके से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हम तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुम्हारा घर गिरवा देंगे, ये क्या है? गिरवा जहाँ घर कोई गिरवा पाता है नहीं। आप कह रहे हैं ना कि मुख्तार अंसारी के गैंग के हो, तो मुख्तार अंसारी कहाँ से आ गए भाई? उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग आप कह रहे हैं, आप बदतमीज बना रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं। पहले तुमने किया था उस, कोई कुछ भाषा का प्रयोग नहीं किया भैया, आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ग्रुप पे उल्टे सीधे मैसेज लिखते हैं। क्योंकि हम ग्रुप के सदस्य हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको एक पहले भी आपने मोदी जी के खिलाफ कुछ लिखा था, हमने भैया आपको शिष्टाचारी तौर पर कहा था कि भैया ये ग्रुप पे सही नहीं है, आप डिलीट कर, कहा था, फिर भी आपको विनम्रता पूर्वक कहा, इस बार भी कहा हूँ, वो बात 2 साल पहले की थी, ये बात इस आज की है। हम कल भी विनम्रता पूर्वक कहे कि जातिवादी बातें ग्रुप पे नहीं लिखनी है, तो आप जो है सुबह सुबह हमको कह रहे हैं कि तुम्हारा घर गिरवा दूंगा, मुख्तार अंसारी के गांव के हो। बात मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा जो है अगर अगर सुनिए अगर कौन गाली आप दिए हैं पहले, पहले तुमने गाली आप दिए हैं, पहले आप बड़े होके पहले आप गाली दिए हैं? कभी नहीं। सुनिए ना, सुनिए, मैं पूरे रसड़ा ब्लॉक में या कोई भी मेरे मुंह से गाली नहीं निकलता है, आप पहले गाली दिए हैं? ना, और मुझे इस बात का दुख है कि आप गाली दे रहे हैं। एकदम नहीं, पहले तुमने गाली दिया ना, आप गाली दिए हैं ना। और मैं सुनिए ना, ये बात जो है, आप जो जातिवादी बात लिख रहे हैं, आपसे भी बड़ा ठाकुर का कोई प्रमाण नहीं होता है कि ठाकुर मैं बड़ा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, ठाकुर वो बड़ा होता है ना जो दूसरों के लिए सोचे। आप जो है ना किसी के स्कूल पे जाके और आप ये कहेंगे कि मैं ठाकुर हूँ, मैं तुमको देख लूंगा, और आप हमसे कह रहे हैं कि तुम मुख्तार अंसारी के घर के हो तो मैं तुम्हारा घर गिरवा दूंगा, ये सरासर गलत बात है। की बात कहाँ हो रही है, घर नहीं, आप होते कौन है ये बात कहने वाले? मुख्तार अंसारी का नाम मेरे साथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं नामे नहीं लिया, तुमने इतना गाली देने लगा, गाली आप दिए हैं, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। पहले तुमने बोला गाली आप दिए हैं, पहले आप बोले हैं कि मैं तुम्हारे बाप कुछ नहीं कर सकते, आप बाप पे जाएंगे? पहले आप गाली बाप पे आप गए हैं भैया, आप झूठ मत बोलिए। आप पहले और सुनिए, बाप और माँ से बड़ा ना सुनिए, बाप और माँ से बड़ा आपके भी माता पिता हैं और हमारे भी माता पिता हैं। अगर बाप माँ के बारे में बात आएगी तो भैया फिर वो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। पहले आपने शुरू किया, आपने गाली दिया है, कहा है कि हमको जो है हम आपके आपके बाप कुछ नहीं कर पाएंगे। ना ना, पहले आपने गाली शुरू किया तब ये बात आई। जातिवादी मैसेज कर रहे हैं ग्रुप पे, हम आपको उस पे कह रहे हैं कि विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं ग्रुप के सदस्य होने के नाते, ना, तो आप गाली देंगे? तो बस आपने ये कहा कि मेरे लिए पोस्ट हुआ है, आपके लिए मैं क्यों पोस्ट करूं, मेरे पे क्यों पोस्ट करेंगे? आपने ये लिखा है कि टॉट और लॉगरिथमिक इक्वेशन टुडे, लॉगरिथमिक सॉल्यूशन का सिद्धांत हमने सिखा दिया, इसका क्या मतलब होता है? आप सीधा सीधा हमको बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने ये कहा आपके ऊपर तो मैंने लिखा नहीं। आप जो है उस ग्रुप के मैं सदस्य हूँ, कल भी मेरे ऊपर नहीं लिखा था, मैं तो ठाकुर हूँ, मेरे ऊपर तो आपने लिखा नहीं था, लेकिन हमारे ग्रुप के नया पंचायत के सारे सदस्य जो है सम्मानित हैं, तो उसको नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं, क्यों? तो आपको इस बात का खेद प्रकट करना चाहिए था ना कि नहीं, मेरे से गलती हो गई। उसको मैंने बार बार, आप जो है उतने ही होशियार हैं जितना हम हैं, उतना जितने नए पंचायत के हर अध्यापक हैं, आप गलती सही लिख रहे हैं उसके बाद हमको गाली दे रहे हैं। गाली आपने पहले स्टार्ट किया था? नहीं, गाली आपने गाली दिया था पहले? ना, आपने पहले अच्छा गाली दिया था? ठीक है, पहले आपने शुरू किया, आपने शुरू किया, पता, चलो बेटा आप, चलो उकसाया पहले आपने, आपने आपने उकसाया, आपने पिताजी पे जा रहे हैं, पहले आपने गाली दिया, आपने आप पिताजी पे जा रहे हैं, समझ में आया? उसके बाद मैंने जो आप पिताजी पे, आपने पिताजी पे आप गए हैं, और मेरी मानता देखिए कि आपके पिताजी हमको नहीं पता कि दिवंगत हैं कि दुनिया में हैं, लेकिन हम आज भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने पिताजी का करते हैं, लेकिन आपने जो सम्मान अपने जो यूज किया ना वर्ड, वो कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, भैया कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे, कुछ नहीं आप नहीं कह रहा, मैं गाली नहीं दिया हूँ, आप गलत बात कोट कर रहे हैं, आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं गाली किसी को दे ही नहीं सकता हूँ, आपने ये शब्द यूज किया, सुनिए कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और तुम्हारे बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम आप हमको डरा रहे हैं, आशुतोष के मुँह से गाली मैं दे ही नहीं सकता हूँ, गाली मैं कब दिया, निकल गया गाली जो है, तो मैं गाली जो है गाली आपने मुझे